नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। मध्य प्रदेश के रतलाम जिला मुख्यालय पर नील गाय से परेशान होकर आज किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने किसानों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं का कहना है कि जिन वैज्ञानिकों ने इसका नाम नीलगाय रखा है, उन्हें यह भी जानना आवश्यक था कि यह दो पैर पर खड़े रहकर फसल बर्बाद करती है। किसानों ने खेत में दौड़ती है, साल में गाय दो बार ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन यह तो चार बार देती है। यह गोबर की बजाय बकरे की तरह लिंडी करती है। यह नीलगाय नहीं है, इसे गाय की प्रजाति में डालना गलत है। यह नीलगाय लगातार किसानों की फसलें चौपट कर रही है। इससे निजात पाने के लिए आज किसानों ने कांग्रेस के साथ मिलकर ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि इसे मारने की अनुमति दी जाए, क्योंकि यह खेतों में खड़ी फसल बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि क्षेत्र के कहीं गांव में किसान जहां एक तरफ लगातार प्रकृति की मार का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ घोड़ा रोज के आतंक से भी परेशान बढ़ती हुई है। वहीं इनके झुंड में गेहूं, मक्का, आलू, सरसों आदि फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, इसके झुंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं खाने के साथ साथ चलते हुए पैरों से भी फसल की बर्बादी हो रही है। ऐसी स्थिति में जहां पर भी घोड़ा रोज की संख्या ज्यादा है, वहां पर भी किसान भगवान भरोसे खेती करने को मजबूर है। इसी को लेकर आज किसान कांग्रेस ने एसडीएम हिमांशु प्रजापति को ज्ञापन दिया और मांग की इस समस्या का समाधान जल्द निकाले, वरना फिर कांग्रेस किसानों की समस्या को लेकर आंदोलन करेगी। संवाददाता कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। आवेदन देगा और वो मूल्यांकन करेगा, लेकिन उसका जो नुकसानी भरपाई है वो राज्य शासन करेगा। तो हमने ये प्रयास कई बार कर लिया, आज दिन तक हमारी फसल का मौका मुआयना वन विभाग नहीं करता है और लाइन आर्डर राजस्व विभाग देखता है। आपके अंडरटेकिंग पूरा वन विभाग आता है, तो हम आपको इसलिए आए हैं कि हमने जो मुख्यमंत्री जी के नाम और जावरा के कलेक्टर साहब आप हो, तो हम ब्लॉक लेवल पर एटीएम साहब के कार्यालय इसलिए आ रहे हैं कि बार बार वन विभाग ये अवगत कराता है कि हमारे पास तो स्टाफ ही नहीं, तो उनके पास जाके क्या कर। कैलाश शाह बड़ेला माता जी, क्या आप भी किसान हैं? हाँ साहब। क्या समस्या हो गई आप लोगों को? साहब हमको ये समस्या घोड़ा रोज की समस्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और हम फॉरेस्ट विभाग में जब भी जाते हैं कहने के लिए, तो वो डायरेक्ट यही बोलते हैं कि अगर घोड़ा रोज के कुछ हो गया ये तुम्हारी जवाबदारी है, कि नहीं तुम्हारे ऊपर केस बन जाएगा। तो इसलिए मैं हम शासन और प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी समस्या जल्द से जल्द सुलझावे, वरना इस बार हमने ज्ञापन दे दिया, इस बार हम ज्ञापन नहीं देंगे, लेकिन घोड़ा रोज पकड़ कर ला के हम सरकार के दफ्तर में बांध देंगे। ये घोड़ा रोज से आखिर नुकसान होता क्या है आप लोगों को? ये घोड़ा रोज से फसल नष्ट कर देते, दिन रात दौड़ते फसल के अंदर है। ये जावरा विधानसभा में पूरा एमपी के अंदर है। बस ये घोड़ा रोज को खत्म करो और हमारी समस्या का समाधान करो। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जो नीलगाय की समस्या है, हमारे यहाँ जो फसल बर्बाद होती है और किसानों को हानि होती है, उसके रिलेटेड ज्ञापन दिया गया है कि उसे एक तरीके से, जैसे बोलना चाहिए, वर्मिंग डिक्लेयर किया जाए और उसे मारने की अनुमति दी। सर, मुख्यमंत्री का ज्ञापन दिया गया है, जटिल समस्या है, किसानों की खेती को परेशान कर रहा है। जी जी, क्या कोई ऐसी पहल करेंगे जिससे कि इनको फायदा मिल सके? देखिए, जो नीलगाय के द्वारा किसानों की जो फसलें उनको हानि होती है, बात सच है, और कई सारे किसान आए हैं जो हमने फील्ड विजिट किया था, उसमें भी किसान अलग अलग तरीके से उपाय करते हैं ताकि कम से कम नुकसान हो नीलगाय से। तो एक इस तरह का जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है उसका एक डेटा का हम बना के और भेज देंगे, जो कंपेंसेशन देना होता है वो हम दे देंगे। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यहाँ से लिख दिया जाएगा, और जो उनको वर्मिन डिक्लेयर करके मारने का जो है, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर शेड्यूल 6 में उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो चीज़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ही की जा सकती है। हम यहाँ से लेटर बना के अनुशंसा सहित प्रेषित कर देंगे। जिला कांग्रेस कमेटी रतलाम ग्रामीण, जिला किसान कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में हमने ये ज्ञापन दिया है और अनुभागीय अधिकारी जावरा से ये मांग करी है कि आप नीचे से इसकी जो इसका आकलन करें, समस्या का निराकरण के लिए कलेक्टर साहब को और प्रदेश सरकार को अवगत कराए, नहीं तो ये समस्या भयंकर विकराल रूप धारण करती जा रही है, जिससे हमारे किसानों की फसलें, कहीं कहीं तो आधी फसलें चौपट कर रहे हैं। उसके लिए हमने आज एक ज्ञापन अनुभागीय अधिकारी महोदय को दिया है।